नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कूल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। स्कूल लाइफ के बारे में आज जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सबसे बेहतरीन जिंदगी वही थी, लेकिन स्कूल जाते हुए बच्चे से पूछो तो वो इसका उल्टा ही जवाब देगा। उसके लिए तो स्कूल बहुत ही बुरी और जेल के समान कोई जगह है, बशर्ते वो बच्चा जो चीन के स्कूल में पढ़ता हो। अगर आपको भी अपनी स्कूल लाइफ का कोई ऐसा नियम याद है जो कि आपको नापसंद था, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में आप आखिरी तक हमारा साथ निभाते हैं ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें उम्मीद है इस बार आप हमारा हौसला 1000 के पार पहुंचा देंगे। तो आइए चलते हैं एक बार फिर जिंदगी में पीछे स्कूल के दिनों में। कॉलर बॉन्ड छुपा कर रखना। स्कूलों का ड्रेस कोड ऐसा होता है कि बच्चे गले से लेकर शरीर के तकरीबन ज्यादातर हिस्से को ढक कर रखते हैं, मगर इसके बाद भी कुछ स्टाइलिश बच्चे कपड़े को इस ढंग से पहनते हैं कि ऊपर की दो बटन खुली रह जाए या गायब हो जाए तो कॉलर बॉन्ड नजर आती है। मगर अमेरिका के एक स्कूल में कॉलर बॉन्ड को हमेशा छुपा कर रखना होता है। अगर आपने कॉलर बॉन्ड दिखाई, रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा। स्कूल के रूल्स तोड़ने पर रिजल्ट क्या होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। लड़कियों का शोल्डर नहीं दिखना चाहिए। विदेश के स्कूलों में ये नियम बड़ी ही सख्ती से लागू किया गया है, जहां लड़कियों का कंधा नजर नहीं आना चाहिए। इन स्कूल अथॉरिटीज का मानना है कि इससे दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान भटकता है, वो पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते, इसलिए लड़कियों को हमेशा अपना कंधा छुपा कर रखना चाहिए। साइकिल से स्कूल आना बैन। हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन की पहली सवारी तो साइकिल ही होती है। हम सबसे पहले साइकिल ही चलाना सीखते हैं, साइकिल से स्कूल भी जाते हैं, तो इस तरह हम रोड सेफ्टी के बारे में भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका के एक स्कूल में साइकिल से स्कूल आने की मनाही है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ये नियम लागू किया गया है। स्कूल में सफाई का काम बच्चों से। शिक्षा के मामले में जापान पूरी दुनिया में आगे है। इसके साथ ही डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। वहाँ बच्चों को सुबह 8:30 बजे से स्कूल में पहुँचना होता है, अपनी क्लासेस पूरी करनी होती है। इसके साथ ही क्लासरूम की सफाई टीचर्स की सुपरविजन में बच्चों को ही करना होता है। वैसे ये रूल बुरा नहीं है। अगर बच्चों को ही क्लासरूम साफ करना है तो बच्चे उसे गंदा करने से पहले दो बार सोचेंगे, और साफ सफाई की आदत बचपन में ही पड़ेगी। अरे भाई, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। क्लासरूम में सोना। हमारे देश में क्लासरूम में सोने वाले चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, दोनों को ही गलत माना जाता है। स्कूल में किसी को भी सोने की इजाजत नहीं होती, लेकिन चीन का एक स्कूल ऐसा भी है जहां हर बच्चे को आधे घंटे के लिए सोने की इजाजत मिलती है। भाई ये रूल तो बड़ा मजेदार है। अगर हमारे स्कूलों में बच्चों को क्लास में सोने की इजाजत दे दी जाए तो बच्चों को उठाना भी एक सिरदर्द भरा काम हो जाएगा। 5 से ज्यादा बच्चों का इकट्ठा होना मना। आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में तो अपनी क्लास के अलावा स्कूल के दूसरी क्लास के बच्चों का भी ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप में सदस्यों की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती और टीचर भी इसे अच्छा ही मानते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता। वहाँ के स्कूलों में 5 से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। 5 से ज्यादा बच्चे ग्रुप भी नहीं बना सकते। क्लैपिंग करने या गले मिलने पर बैन। स्कूल के बच्चों पर ये नियम क्यों लगाया गया ये तो समझ से परे है, लेकिन कैलिफोर्निया के एक स्कूल में ये नियम लागू है। खुशी में भी एक दूसरे के लिए क्लैपिंग नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को आपस में हाथ नहीं मिलाना चाहिए और इस नियम का पालन होता है। दोस्तों, ये थे स्कूलों के कुछ अजीब नियम। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा और कौन सा खराब, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।